तो ये राम मंदिर के अंदर का नज़ारा है, हजारों लोग मंदिर के अंदर भगवान का दर्शन कर रहे हैं। शोभा यात्रा फाइनली राम मंदिर के द्वार पर पहुंच चुकी है। जो राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है, 500 सालों बाद भगवान विराज रहे अपने घर पर वापस, उसमें कैसा खुशी है, क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा लग रहा है और दिवाली टाइप का ही फील हो रहा है। अच्छा, मतलब दिवाली इस बार पहले दिवाली आ गई, दो दिवाली हो जाएगी, दो दिवाली हो जाएगी, तो अभी मौका लगा 22 के बाद, तो आप लोग जाना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल यार, सबको जाना चाहिए। और ऐसा पहली बार ऐसा मौका मिला है, बिल्कुल सबको जाना चाहिए। शोभा यात्रा शुरू हो गई है रायपुर में तेलीबांधा मरीन ड्राइव से राम मंदिर तक ये जा रही है, और लाखों लोग अभी इसमें जुड़ रहे हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ है, लोगों में जो जोश है वो तो देखते ही बनता है, उसके क्या ही कहने। हर कोई राम में है, हर कोई भगवान में है, हर कोई इस समय सिर्फ और सिर्फ सनातन की बात कर रहा है, जय श्री राम के नारे लगा रहा है। भगवान राम 500 वर्षों बाद कल अयोध्या में अपने घर अपनी जगह पर विराजमान होने जा रहे हैं अपने गर्भगृह में। उसी जोश और उत्साह के लिए रायपुर में शोभा यात्रा यहाँ पे निकाली जा रही है। यहाँ लगातार लोगों की भीड़ इस यात्रा से जुड़ती जा रही है। कहने को तो ये 1.5 से 2 किलोमीटर की यात्रा है, लेकिन इसमें बहुत समय लगने वाला है क्योंकि पैदल यात्रा है। लोगों का जोश बहुत ज़्यादा है, मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं लगातार जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। पूरा देश इस समय भगवा में है, तो रायपुर कैसे छूट सकता। मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, धन्यवाद। भारत माता की। हम जिन जिन मंदिरों में जा रहे हैं वो कल जाकर बंद नहीं हो जाना। हमारे बड़े संत महंता और मार्गदर्शकों ने आह्वान किया है कि हर मंगलवार को इन मंदिरों में हनुमान चालीसा का पाठ होना चाहिए। सिख समाज के लोग भी कितने हर्षोल्लास के साथ, जोश के साथ पुष्प वर्षा इस पूरी शोभा यात्रा पर कर रहे हैं। तो हर धर्म, हर पंथ, हर व्यक्ति राम में हो चुका है, राम सबके प्यारे हैं। देखिए, गुरु घासीदास भगवान के मंदिर पर ये यात्रा रुकी है। घासीदास भगवान का आशीर्वाद लेने के बाद ये शोभा यात्रा अब आगे की तरफ बढ़ने वाली है। शोभा यात्रा ड्राइव से और राम मंदिर के बीच चल रही है। एक जो उत्साह का संचार हुआ है उसकी अभिव्यक्ति करने के लिए और कल के कार्यक्रम की उचित तैयारी करने के लिए। जय श्री राम, जय श्री राम।
यहाँ पर सिंधी समाज की तरफ से मिठाइयाँ बंटवाई जा रही है, सभी राम भक्तों को यहाँ पर मिठाइयाँ दी जा रही है। दोस्तों राम मंदिर के पास ये यात्रा भगवान राम की भव्य शोभा यात्रा पहुँचने वाली है, वो सामने रहा राम मंदिर, और राम मंदिर के पास ये है VIP चौक जहाँ पर ये यात्रा पहुँच चुकी है। हजारों नहीं लाखों लोग अब इस यात्रा में जुड़ गए हैं। ये सिंधी साहित्य बिरादरी मंडल की तरफ से सभी राम भक्तों को यहाँ पर मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं। ये देखिए पूरा मिठाइयों का यहाँ पे अंबार लगा है, सभी राम भक्त यहाँ पर मिठाई यहाँ पे उनको दी जा रही है। जय श्री राम। आज हमें बहुत खुशी हो रही है, इस उपलक्ष में हम लोग लड्डू बांट रहे हैं VIP चौक पे। आप ये कौन सा मंडल है आपका? सिंधी साहित्य बिरादरी मंडल। नाम क्या है आपका? राजेश विधानी। अच्छा, तो आप सभी लोग राम भक्तों को यहाँ पे मिठाइयाँ बांट रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत वर्षों बाद प्रभु श्री राम विराज रहे हैं, उसकी जो खुशी है वो वैसे तो पूरे देश में है, पर रायपुर भी काफी पीछे नहीं लग रहा है अभी। रायपुर भी अयोध्या में करवट हो गई है भैया। चलिए सभी भक्तों को जय जय श्री राम। देखिए प्रभु श्री राम के मंदिर अब ये शोभा यात्रा पहुंच चुकी है, और इस यात्रा के स्वागत के लिए, उसके दर्शन के लिए हजारों लोग पहले से इस मंदिर के अंदर देखिए प्रांगण में खड़े हुए हैं। गाइस, इस मधुर धुन के साथ हमारे हनुमान चालीसा सुनते हुए
अब इस वीडियो को मैं एंड कर रहा हूँ। आज राम मंदिर के दर्शन शोभा यात्रा को कवर करके बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है रायपुर के इतिहास में इससे खूबसूरत दिन नहीं हो सकता छत्तीसगढ़ वासियों के लिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि पूरा छत्तीसगढ़ और पूरा देश ये जाने कि रायपुर में कैसे आज भगवा में राम में पूरा शहर हो चुका था। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय सियाराम।